अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक्चुअली मैं अपना वर्क प्लेस का जो बैग है वो थोड़ा सा क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना ली जाए कि इसके अंदर क्या क्या है। आज बड़ा कचरा निकलने वाला है। और मैंने एक्चुअली थोड़ा सा बैग भी अपना चेंज किया था, जस्ट बड़ा कैजुअल सा बैग मैंने लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ इसको, तो मैंने ये लिया था। ये है जी मेरा बैग, बड़ा हैवी है ये। मैंने एक्चुअली रॉस से लिया था, रीबॉक का कैजुअल बैकपैक, क्योंकि काफ़ी बड़ा भी है, स्पेशियस भी है। इसी में अपना लंच बॉक्स, अपना लैपटॉप, सब चीज़ें मैं इसी में डाल लेती हूँ। तो आज मैं इसको ज़रा क्लीन करने लगी थी क्योंकि कोई तकरीबन 2 महीने हो गए मैंने इसे क्लीन नहीं किया, तो मैंने कहा कि जी साथ वीडियो बना ली जाए। तो इसका जो पहला सेक्शन है ना, इसकी पहली और ये दो पॉकेट्स हैं, साथ में इसकी अपर पॉकेट है, साइड पॉकेट्स हैं जिसमें मैं अपनी वाटर बॉटल तो नहीं डालती लेकिन मेरा और बड़ा कचरा इसके अंदर भरा होता है। तो चलिए जी दिखाते हैं। मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी गंद निकलने वाला है, सो प्लीज़ डोंट जज मी। सो सबसे पहले जी इसमें मेरा वॉलेट है। वॉलेट के अंदर जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, कार्ड्स और कुछ, ये बैग ये जाना कैश से नहीं, रसीदों से भरा हुआ है। मैं हमेशा रसीदें कुछ मैं रसीदों को ना कुछ देर तक संभाल के रखती हूँ। और इसके अलावा इसी पॉकेट में मैं अपना सेलफोन रखती हूँ, जो अभी तो मेरा बाहर पड़ा हुआ है लेकिन मैं इसी में पॉकेट में सेलफोन भी रखती हूँ क्योंकि बड़ा हैंडी होता है, या कभी निकाल के मैं अपनी जीन्स की पॉकेट में भी रख देती हूँ। और क्या है जी इसके अंदर, हाँ जी मेरे ये हैं आई ग्लासेस, और क्योंकि जी नज़र मेरी ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बल्कि मुझे लगता है मेरा नंबर बढ़ भी गया। और इसमें निकले हैं मास्क और ये कुछ अटेंडेंस शीट्स वगैरह थी, जो मैं एक्स्ट्रा अटेंडेंस शीट्स थी जो मेरे पास बैग में ही रह गई क्योंकि हमने अटेंडेंस लेनी होती है। अब मुझे मिल गया जी। और ये जो फ्रंट पॉकेट है, ये इसकी जो आगे छोटी सी पॉकेट है, लेट्स सी उसमें क्या है। ओ यस, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पोनीज रखी हुई हैं और ये मेरा कार्ड है। और क्या है जी, और ये टिश्यूज पेपर निकल आया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और देखें जी क्या है। और ये जो साइड पॉकेट्स है ना, यहाँ मैं वाटर बॉटल अपनी नहीं रखती क्योंकि ये वैसे तो पानी की बॉटल के लिए बना होता है, लेकिन मैं नहीं रखती। मैं इसमें ये एक जिप लॉक निकला जिसके अंदर मैं हमें मैंने कुकी रखे हुए थे, और ये डॉलर, कुछ डॉलर्स हैं, ये मैंने हैंड क्रीम रखी हुई है क्योंकि अब आजकल इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है कि जब मैं वहाँ पे काम पे जाती हूँ ना तो मेरे हाथ ऐसे हो रहे होते हैं जैसे पता नहीं, उफ बहुत बुरी कंडीशन होती है, ड्राई हो जाते हैं। और ये एक सैनिटाइज़र है, ये सैनिटाइज़र मैंने रखा हुआ था क्योंकि इसका हैंडल टूट गया था तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। एक ये और लोशन की क्रीम है, ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसको रीफ़िल कर लेती हूँ, इसकी बड़ा जो है ना मुँह काफ़ी खुला है तो मैं इसको रीफ़िल कर लेती हूँ। मेरे पास एक बड़ी बॉटल मैंने इसलिए रखी हुई है, इवन बच्चों की भी मैंने ऐसे रखा हुआ है लेकिन लगाते उगते हैं नहीं। आजकल मैं सारा डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं जाती हूँ वर्क प्लेस पे और जब मैं वापस घर आने लगती हूँ तो मैं डिस्पोजेबल डिसऑफ कर देती हूँ। मैं डिस्पोजेबल जो मास्क होता है ना वो वहीं पर फेंक आती हूँ, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जर्म्स घर आए, थोड़ी एहतियात बंदा कर ही ले तो अच्छा है। और इसीलिए मैं कपड़े वाला नहीं यूज़ करती क्योंकि उसको रोज़ रोज़ धोना ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, ये जो बड़ी वाली पॉकेट है ना, इसमें है असल माल। तो जी इसके अंदर है सबसे पहले ये एक्चुअली मेरा फाइल है, इसे मैंने कुछ वर्कशीट्स वगैरह बना के रखी हैं, इमरजेंसी प्लान्स हैं बच्चों के, हर ग्रेड के हिसाब से मैंने कुछ वर्क प्लान बना के रखा हुआ है कि अगर जैसे मुझे जिस क्लास में जाना होता है तो मैं वहाँ से उनकी कॉपीज़ वगैरह करा लेती हूँ अगर कभी मैं चाहूँ तो। ये कुछ एक्स्ट्रा हैं वर्कशीट्स, और जी इसके अलावा ये मेरे पास लैपटॉप का चार्जर है, बड़े ही पुराने स्टाइल का चार्जर है, लेकिन ये मुझे जो लैपटॉप है ये स्कूल की तरफ से मिला हुआ है कि आपने लेसन प्लान वगैरह बनाने हो, अटेंडेंस वगैरह लेनी हो, तो ये है जी मेरा लैपटॉप। और क्या है जी इसके अंदर, और है जी ये एक मैंने रखा हुआ था अपना फ़ोन का चार्जर, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जी आपका फ़ोन कभी भी डेड हो जाए तो चार्जर आपके पास होना चाहिए। और ये हैं जी कुछ कैंडी, ये मुझे डील पे मिली थी तो ये मैंने बच्चों के लिए रख ली है, कभी कभी
बच्चों को इंसेंटिव देने के लिए। ये कैंडीज हैं जी मेरे पास, और आ गई है जी मेरी वाटर बॉटल, पानी, और क्या है जी इसमें, इसमें क्या है, फिर एक और कैंडी आ गई है। आज कल जाना ये मैं कैंडी एक्स्ट्रा रखती हूँ, अगर किसी दिन ना हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक और कैंडी निकल आई है, और क्या है, और क्या है, और जी इसकी जो इस अंदर वाली पॉकेट है ना, जहाँ पे लैपटॉप रखते हैं, वहाँ मैं नहीं लैपटॉप रखती, वहाँ पे देखें क्या निकलेगा जी। वहाँ पे हैं जी ये मैंने फिर और मास्क रखे हैं, और क्या निकलेगा जी, ठहरे ले बस। और ये मेरे पास कुछ बैंडेजेस हैं, ये मैंने रखे हैं कि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है बैंडेज की, हालांकि हर क्लास में भी अवेलेबल होती है, लेकिन मैं फिर भी रखती हूँ इन चीज़ों को, फटाफट अंदर रख देते हैं जी, कहीं ये मिसप्लेस ना हो जाए। और क्या है जी, और यहाँ पे आती है जी ये, इसमें पता नहीं क्या क्या है जी, इसमें फिर एक डॉलर निकल आया है, और एक पेन है जी मेरा, उसके अलावा एक मैंने ये लिप बाम रखी हुई है, एक और पेन निकल आया है, एक और पेन है, ये एक शार्पी रखी हुई है मैंने, और एक मैंने ट्वीज़र रखा हुआ है जी ये, और क्या है, हाँ जी एक नेल कटर रखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी की चीज़ होती है, और हाँ इसे मैंने रखी हैं दो ये हॉल्स की कैंडीज रखी हुई हैं, क्योंकि मेरा इसलिए पिछले दिनों कुछ गला ख़राब हुआ था, तो मैंने रख ली थी एहतियातन के अपने पास। ये एक छोटा सा बैंडेज निकल आया, और क्या है, और कुछ नहीं है जी, बस यही था। एक पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था बहुत ही कचरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादा कचरा नहीं है, मुझे लगता है शुक्र है ज़्यादा कचरा नहीं है। बाकी चीज़ें जी हम वापस रख देते हैं। यही था जी मेरी अपडेटेड 2022 का वर्क प्लेस का बैकपैक, इसके अंदर क्या गंद भला मैंने रखा हुआ है। सो उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।